शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हनुमान, अब तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना है। भोले बाबा, प्रभु मैं तो मात्र एक भक्त हूं, पूर्णतया समर्पित। ये भक्त भला भगवान को क्या दे सकता है? तुम्हें ज्ञात है कि मैं क्या मांग रहा हूं? प्रभु मैं भला आपको क्या दूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आश्चर्य है, प्रभु मेरे पुत्र से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्रणाम माता। माता अब आप ही बताइए, मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक, मात्र एक अंग वस्त्र है मेरे पास। माता जबकि प्रभु भोले बाबा तो समस्त संसार के स्वामी हैं, मैं भला भोले बाबा को क्या दे सकता हूँ? हनुमान, भोले बाबा तुमसे अपना त्रिशूल मांग रहे हैं, जो तुम्हारे शरीर में समा गया था। ओ हाँ, मुझे क्षमा करें भोले बाबा, मैं तो आपका आशय समझ ही नहीं पाया। त्रिशूल तो आपका है, आपके हाथ में ही इसकी शोभा है प्रभु। शिव शिवांश से याचना करते, दे दो कभी त्रिशूल जो निगले। हनुमत तब त्रिशूल लौटाई, शिव उमा पुलकित हरसाई। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जो महादेव सबके दाता है, आज वो भी हनुमान के याचक बन गए। अनुपम है तुम्हारी भक्ति आंजनेय हनुमान। माता, माँ आपको पीड़ा हुई, यहां तक आने का कष्ट उठाना पड़ा, आपको ये सब देखना पड़ा, उसके लिए आपका ये पुत्र क्षमा प्रार्थी है। पुत्र, माँ का सबसे बड़ा सुख होता है उसकी संतान का सानिध्य, और उसे प्राप्त करने के लिए वो सभी कष्ट सहन कर लेती है। किंतु माता, अभी तो इस अश्वमेध यज्ञ की यात्रा में और भी न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ सकता है मुझे। किंतु अब आप तनिक भी चिंता मत कीजिएगा माता, आपने स्वयं देख लिया है ना माता कि किस प्रकार प्रभु श्री राम एवं आपके आशीर्वाद से इतनी बड़ी अनहोनी टल गई। माँ का हृदय कोमल होता है पुत्र, पुत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, बलशाली हो, किंतु अपने लाल को संकट में देख माँ का हृदय चिंतित हो ही जाता है पुत्र।
जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता संग शनि चर होत हुचेरो। संग शनि चर होत हुचेरो। श्री जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे। भक्ति की पराकाष्ठा के दर्शन हुए हैं आज मुझे तुम्हारे सानिध्य में हनुमान। कदाचित मुझे भक्ति के गहन मर्म को समझना था, इसीलिए मैं यहां तक खींची चली आई। ऐसा नहीं है माँ, आपकी उपस्थिति प्रमाण है इस तथ्य का कि माँ अपने संतान के लिए किसी भी संकट का सामना कर सकती है। सत्य तो ये है कि माता आपकी उपस्थिति ने मुझे शक्ति प्रदान की है जिससे कि मैं संकटों पर विजय प्राप्त कर सका। देखिएगा माता, आपके आशीर्वाद से मैं पुष्कर एवं शत्रुघ्न भैया राम काज में अवश्य सफल होंगे। हनुमान, तुम्हारा सेवा भाव, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारी भक्ति यूं ही बनी रहे। अब मुझे लौटना होगा हनुमान। तुम्हारे पिताश्री को सब बताऊंगी मैं, वो भी अपने पुत्र के पराक्रम पर गर्व करेंगे। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम गरुड़देव। गरुड़देव, मुझे आगे की यात्रा पर जाना होगा, इसलिए मां को आप वापस ले जाइए। धन्यवाद गरुड़ जी। Thank you.
क्या हुआ देवेश्वर? आपके श्रीमुख पर चिंता की रेखाएं? आज परिस्थितियों ने हनुमान को मेरे त्रिशूल का सामना करने पर विवश कर दिया है, तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किंतु भविष्य में जो गठित होने वाला है उस स्थिति में क्या होगा? भविष्य में? जब भविष्य में हनुमान और मैं युद्ध के लिए आमने सामने होंगे। आपका और हनुमान का युद्ध, ये कैसे संभव है? होनी है ये देवी। मैं तो चाहता हूं इस होनी को किसी भी प्रकार से टाल दिया जाए, परंतु इस समय तो हनुमान को अपनी सेना एवं अश्व को आने वाली अदृश्य विपदा से बचाना होगा। आगे हमारे मार्ग में अहिच्छत्र नाम का राज्य आने वाला है। वहां के राजा सुमद महान शिव भक्त हैं। वे कदापि हमारा विरोध नहीं करेंगे। विरोध करें या समर्थन, अधीनता तो उन्हें स्वीकार करनी ही होगी। ताजश्री महाराज राम का अश्व अपनी दिग्विजय यात्रा पूर्ण करके ही लौटेगा, है ना हनुमान जी? कुमार, राम राज्य का विस्तार अर्थात धर्म के राज्य की स्थापना के लिए ये दिग्विजय यात्रा और प्रभु की कृपा से इस धर्म कार्य में आने वाली कोई भी बाधा हमें नहीं रोक पाएगी। वानर, अब तक तुम्हारे ही कारण ये सब विजय प्राप्त करते रहे, किंतु इस बार तुम्हारा पराक्रम धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि इस बार चाल ही ऐसी चली है मैंने। आगे काल का द्वार प्रतीक्षा कर रहा है तुम सबकी। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। किसी भी बड़े धर्म कार्य में आसुरी शक्ति बाधक अवश्य बनती है देवेश्वर, यहाँ तक कि अनेक बार देवता भी मात्र मूक दर्शक बनकर देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते। देवी, विधि के विधान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है ये, 9 पर्वतों के मध्य नगर। काकाश्री, स्वप्नलोक जैसा प्रतीत हो रहा है ये तो। किंतु मुझे कुछ विचित्रता का आभास हो रहा है। शत्रुघ्न भैया, इन पर्वतों की शांति मुझे संदेहास्पद प्रतीत हो रही है, इसलिए नगर की ओर बढ़ते समय हमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा। विचित्र ध्वनि कैसी है? सावधान हो जाओ सब। जी। ये क्या हुआ? हम तो वहीं आ गए जहां पर हम थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई हमें अहिच्छत्र राज्य की सीमा में प्रवेश करने से रोक रहा है। किंतु हमें राज्य की सीमा में प्रवेश तो करना ही होगा। चलिए पुनः आगे बढ़िए सब। हमें शीघ्र ही राजा से मिलना चाहिए। इन सबको ज्ञात ही नहीं कि ये कितना भी प्रयास कर ले, किसी भी प्रकार से प्रयास कर ले, किंतु ये राज्य की सीमा में प्रवेश करने से हर बार रोक लिए जाएंगे। रुक जाइए, आप मुझे सबसे आगे चलने दीजिए। आगे का मार्ग मुझे
सरल प्रतीत नहीं हो रहा। किसी भी संकट से सभी की रक्षा के लिए मुझे आगे रहना होगा। तो धरती का ये द्विरंगी चिन्ह ही इस अहिच्छत्र राज्य की सीमा दर्शा रहा है। देखता हूं ये किस प्रकार का अवरोध है। सावधान, लौट जाओ, लौट जाओ तुम सब, अन्यथा तुम सबके जीवन का अंत हो जाएगा। हाँ हाँ, अंत हो जाएगा, लौट जाओ। किसका स्वर है ये? कौन है जो हमें चुनौती दे रहा है? तुम सबकी भलाई इसी में है कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अभी देखता हूं कौन है वो जो हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। आसपास तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तुम सब भी आसपास नहीं दिखाई दोगे यदि तुम सबने हमारा कहना नहीं माना। तो उचित यही होगा कि लौट जाओ यहाँ से। हम यहाँ लौटने के लिए नहीं अपितु धर्म कार्य हेतु यहाँ पर आए हैं। उसे पूर्ण किए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। ये साधारण पर्वत नहीं है, ये नगर की सुरक्षा के लिए ही यहां पर स्थित हैं। इनके रहते कोई भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ना तो हम वापस लौट सकते हैं और ना ही आगे पग बढ़ा पा रहे हैं। बात तो पांव आगे बढ़ाने की है ना, मैं तो बिना डग उठाए भी आगे बढ़ सकता हूँ। पुत्र पुष्कल, पुष्कल, पुष्कल को अपने उतावलेपन में ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। आश्चर्य है, इसे तो कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ तो यह है कि धरती पर पांव रखे बिना आगे बढ़ा जा सकता है। पुष्कल, पुष्कल मेरे पुत्र, पुष्कल कहीं आहत ना हुआ? पुत्र पुष्कल, तुम कुशल तो हो? हाँ काकाश्री, मैं कुशल हूँ। पुष्कल, बिना सोच विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पुत्र, तुम संकट में पड़ सकते थे। क्षमा हनुमान जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। किंतु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी तो नहीं है। श्री राम।
हनुमान जी रुक क्यों गए? ए अहिच्छत्र राज्य को सुरक्षा प्रदान करने वाले 9 शक्तिशाली पर्वतों, कृपया हमारी सेना को नगर में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। बस, हम यहाँ किसी की विनती सुनने के लिए नहीं है। अब यदि शीघ्र ही तुम सब यहाँ से नहीं गए तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। प्रभु का कार्य संपन्न किए बिना यहाँ से नहीं लौटूंगा मैं, और ना ही किसी को राम काज में बाधा बनने दूंगा। जय श्री राम। और जो बाधा बनेगा उसे जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। मेरे प्रभु के कार्य में कोई भी बाधक नहीं बन सकता। ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी? तो इसने मुझसे भी दोगुना आकार बढ़ा लिया है, किंतु मैं इसे उखाड़ कर ही रहूंगा। संभल गया हनुमान जी। हनुमान जी, मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे। मार्ग से इस पर्वत को हटाना ही होगा। किंतु अन्य पर्वत बाधक बन सकते हैं, वे हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये पर्वत तो आक्रमण करने के लिए तत्पर हो रहा है। अपने अस्त्र संभालो पुष्कल। अब तुम में से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं लौट पाएगा। अति आत्मविश्वास सफलता में बाधक बन सकता है, इसलिए व्यक्ति को सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए।